जिन हाथों में मैंने अंगूठी पहनाई थी उन्हीं हाथों में किसी दूसरे के नाम की अंगूठी में नहीं पहनने दूंगा तुम्हें धमकी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं ये एंगेजमेंट रोक के रहूंगा और वो अंगूठी वो तुम्हें मैं पहनाऊंगा, विहान नहीं। ये तो होगा ही बेटा, तेरी सच्चाई सामने आ गई है। तो वो लोग अब तेरे साथ ऐसे गलत तरीके से ही बिहेव करेंगे। तो एक काम कर, सब तोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ। क्या क्या बोल रहे हैं आप डैड? मैं वहाँ आ जाऊँ और जो ऐशो आराम की जिंदगी मैं यहाँ गुजार रही हूँ उसका क्या? आप दे पाएंगे ऐसी जिंदगी मुझे? नहीं ना। और लिसन टू मी, ये जो दो है ना ये मेरे लिए एक लाइफ लॉन्ग बैंक है और ये जो लाइफ स्टाइल गुजार रही हूँ ना मैं ऐसे लाइफस्टाइल को गुजारने के लिए तो मैं इन लोगों की छोटी मोटी नाराजगी ऐसी सहन कर जाऊंगी। सोचिएगा मत कि मैं वहां पर ये सब छोड़कर आऊंगी। तेरे डैड को क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खुद के पास तो एक टूटी कौड़ी नहीं है लेकिन चाहते कि मैं वहां पर आके उन्हीं की घिसी पिटी लाइफस्टाइल को जी। नो। और यहाँ हीरे आ रहे हैं। My God, that solitaire ring was so gorgeous. I wish वो मेरे हाथ में होती। See? क्या कह रहे थे तुम? आप भी deserve करती हैं। No, वो थपकी नहीं, मैं deserve करती हूँ। ये तो बहुत ही गर्म है। मैंने ये रॉड इतनी गर्म कर दी है कि इसका हैंडल भी पकड़ना मुश्किल है। तो सोचो बयान, जब तुम ये रॉड पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथों का क्या हाल होगा? ना तो तुम वो एंगेजमेंट रिंग पहनने के लायक रहोगे, नहीं थपकी तुम्हें वो रिंग पहना पाएगी। हेलो, या एब्सोल्युटली अभियान, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। अभियान एक्चुअली घर के ना गीजर्स खराब हो गए और बाबूजी को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। तो ज्यादा है हमारे घर में वो गर्म पानी करने वाला एक रॉड था। हाँ वो यहीं कहीं हॉल में है, प्लीज ढूंढते, मैं बहुत इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे हूँ। हाँ जी बोलिए। Yes. सेम थपकी के रिंग की जैसी ये रिंग है लेकिन नकली डायमंड के साथ। अच्छा हुआ सही वक्त रहते मैं इसे मार्केट से ले आई। अब इससे पहले कोई आ जाए मैं इसे थपकी के रिंग के साथ चेंज कर देती। श्रद्धा तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? श्रद्धा मैं एक्चुअली वो मंदिर में प्रे करने आई थी। हो गया, जय माता दी।
क्या हुआ रुकी? ये रॉड बहुत गर्म है, तुम्हारा हाथ जल जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये देखो कारपेट को देखो, कैसे उसमें से धुआं धुआं निकल रहा है। ये तो हमने देखा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से ये रॉड बीच रास्ते में रखा किसने? पता नहीं, लेकिन हम इसको अभी हटवा देते। क्या हुआ तुमके? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अगर आज मैं चीजें सही वक्त पर ना आती तो? अब तो तुम जिंदगी भर हमारे साथ, आज हमारी मंगनी, तो घबराओ नहीं और खुश रहो। चलो अब दिखा दो वो अपनी बड़ी वाली स्माइल। गजा। की तुम यहाँ का कर रही हो? यू स्टूपिड न्यू इडियट, इतना डरा दिया मुझे। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। क्या किया? वो नकली रिंग जो मैं मार्केट से लाई थी वो नीचे गिरा दी। नकली रिंग? बड़की बड़की तुम चोरी कर रही थी? देखो हम तुमको बता रहे हैं, धक्की की अंगूठी को ऐसे चुराना ना ठीक बात नहीं है। मैं चुरा नहीं रही हूँ इडियट, मैं तो बस बदल रही हूँ, और वो भी कुछ डेज के लिए। वो क्या है ना, थोड़े दिन हम दोनों वो रिंग पहनेंगे तो हम दोनों भी ना एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, और वो भी ऑसम वाले। बिना चांस मिलते ही तबकी की रियल रिंग एक्सचेंज कर देंगे वापस, और वो तबकी पहन लेगी। एज सिंपल एज दैट। हां ये बात तो बड़की तुम एकदम सही कह रही हो। तो बस अब ना कीप क्वाइट। और तुम देखो कोई आए ना, मैं तब तक ना नकली रिंग निकाल देती हूं। ध्यान रखो कोई आए ना। रख रहे रख रहे। मिलिका ये मिल क्यों नहीं रही है? मिल गई। क्या हो रहा है यहाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ। इतने बड़े बड़े कान करने के बाद हम का पूछ रही? और हम तुमको काहे बताए कि हम का कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? बड़ी आई हम का पूछने वाली। चल बड़की। बड़ी आई। सबसे बड़ा कांड तो मैं अब करूंगी, थपकी की एंगेजमेंट रिंग चुराकर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस कांड के बारे में आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो रिंग ढूंढनी पड़ेगी। यही नीचे गिरी थी ना, देखती हूँ। अरे भाई आज बाइक लेके कहाँ? यार तेरी सगाई की शॉपिंग के लिए ड्राइवर को भेजा, तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैंने सोचा बाइक से चले जाता हूँ। लेकिन अरे क्या कुछ प्रॉब्लम है शायद इस बाइक में?
भाई इसकी तो रिम टूट रही है, ऐसे जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ यार, तो एक काम करता हूँ, मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ। तो ऑलरेडी लेट हो रहा, ऊपर से मैकेनिक पता नहीं कब आएगा। अरे भाई मैकेनिक की क्या जरूरत है, हम है ना मैकेनिक के गुरु, ये सब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। आप एक बार गाड़ी चालू करो और क्लच दबा दो। बिहान दिखा, बिहान I'm so sorry, मेरा कहा था गलती से एक्सीलेटर में चला गया था। दिखा बहुत ज्यादा लगी है भाई, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। बिहान I'm so sorry, बिहान चल अंदर चल, बैंडेज लगा दे, चल जल्दी चल। तुमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, घर में भी किसी को नहीं बताया। बिहान कितनी ज्यादा लगी है तुम्हें, कितना दर्द हो रहा है? दर्द बहुत ही हो रहा है बिहान। अब मेरे हिसाब से तो ये फ्रैक्चर होगा, अब छोटा सा ही फ्रैक्चर होगा, हेयरलाइन फ्रैक्चर, लेकिन है तो सही। देख बिहान मेरी बात मान, घर वालों को बता देते ये एंगेजमेंट पोस्टपोन करके पहले डॉक्टर के पास चल। अब सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना? है ध्रुव, हमारे लिए हमसे भी बढ़कर है तबकी, तबकी की खुशियां। नहीं ध्रुव, हम तबकी खुशियां कम नहीं कर सकते, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तुम बस परिवार में किसी को मत बताना कि बिहान। दादी मां, देख बेटा मैं अपने साथ तबकी को लाई हूं, आज इसके हाथों से मुझे तुझे कुछ दिलवाना है। तबकी बेटा दो, आज सगाई में तू यही पहनेगा। अरे ले ना, देख क्या रहा है? बिहान क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ हम तो सुपर ठीक हैं, आज हमारी सगाई जो है। दादी मैं एक मिनट, ये हाथ पर रुमाल क्यों रखा हुआ है? वो ये तो हम ध्रुव को जादू दिखा रहे थे। अरे आप लोग जाइए ना, आप लोगों को तैयार नहीं होना क्या? आज घर में सगाई है, इतना खुशी का माहौल है, जाइए जल्दी तैयार हो जाइए। और ये तो वैसे भी दुल्हन है, इसको तैयार होने में वैसे भी ज्यादा वक्त लगेगा, है ना दादी माँ? हाँ ये बात तो है, चल बेटा हम चलते हैं। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। हाँ लेकिन इसकी नजरें जिसे ढूंढ रही हैं वो कहाँ है? ध्रुव है उसके साथ, वो उसे लेकर आ रहे। बिहान, I'm so sorry, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, बहुत दर्द हो रहा है बिहान।
नहीं, मुझे पता है तुझे कितना दर्द हो रहा है, तुझसे हाथ तक तो उठ नहीं रहा है। और रिंग कैसे पहनेगा, और ये पट्टी ये कैसे छुपाएगा सबसे? देख बिहान, सबको बता देते हैं और ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। यार क्या कर रहा है? सबकी ये चेहरे पे इस खुशी के सामने हमारा हमारा दर्द कुछ भी नहीं था। हमने कहा था ना ये जगह आज ही होगी। ये लो दूल्हे राजा आ गए। बिहार आओ आओ। मुंह क्या देख रहे हो एक दूसरे का? अंगूठी पहनाओ। हाँ, इसे कहते हैं किस्मत। पति मिला वो जो सौतेला है, और अंगूठी मिली वो जो नकली है। असली बेटा और असली अंगूठी तो अब भी मेरे पास है। थपकी पहले तुम बनाओगे? हाँ जी। नमस्कार बलविंदर जी। नमस्कार। बिल्कुल ही सही समय पर आ गए ना। अरे बिल्कुल सही वक्त पर आए लक्ष्मी नारायण जी, हमारे खानदानी सुनार हैं। बयान और थपकी की इतनी अच्छी अंगूठियां इन्होंने तो बनाई हैं। हाँ चलो थपकी बेटा, पहले तुम्हें पहनानी है। एक मिनट जरा रुकिए। क्या हुआ? देखिए अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे इस अंगूठी के हीरे में कुछ गड़बड़ी लग रही है। मैं इसकी जांच करना चाहूंगा। हाँ क्यों नहीं, कौन सी? ये इस पे? जी माफ कीजिएगा, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। बिल्कुल ही खालिस हीरा। तो हमारे ये दोनों बच्चे भी तो हीरा ही हैं। ये तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं?